जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी की प्रतिदिन नैनो मैगजीन की करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए हाजिर है। आज हम आज के दिन की अर्थात 14 फरवरी की टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे जहां से परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। तो बिना देरी के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की टॉप 20 करेंट अफेयर नैनो मैगजीन इलेनी बी दुर्गेश पे। इस मैगजीन को ख़त्म होने के बाद आप इसकी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जी हाँ, प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे जब सूरज की किरणें निकलती हैं उसी के साथ आपके भविष्य को उजाला करने के लिए नैनो मैगजीन आपके सामने होता है। एक एक करके मेरे प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ पर 20 अर्थात टॉप 20 प्रश्न आपके सामने हैं। हम एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि हाल ही में ISA का प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जल्दी से अपने कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्या आपने इस प्रश्न को कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा अजय माथुर। हाल ही में ISA प्रमुख के रूप में अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, प्रसिद्ध मुक्केबाज कैप्टन हरि सिंह थापा का फरवरी 2021 में निधन हो गया। उन्हें उत्तराखंड सरकार ने कब द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया था। एक प्रश्न और आपके सामने है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसके लिए दिया जाता है। जी हाँ, किसके लिए द्रोणाचार्य का अवार्ड दिया जाता है। काफ़ी यूनिक और काफ़ी सरल प्रश्न है। इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जान लीजिएगा 2013 में। जी हाँ, उन्हें 2013 में सम्मानित किया गया था। हम आगे बढ़ रहे हैं टॉप 20 के अगले प्रश्न की सीरीज में तरफ। अगला है आपके सामने, हाल ही में किसे एगोन लाइफ के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया। तो जरा कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 3 का जवाब आपको क्या है। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सतीश्वर बालाकृष्णन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सतीश्वर बालाकृष्णन इस प्रश्न का एकदम सही और राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमें बढ़ना है अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने 4 नंबर। तो बताइए, मेघालय में पुलिस ई चालान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया। सबसे पहली बात यह है, ई चालान क्या होता है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है कि ई चालान क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किससे। दूसरा, मेघालय की राजधानी क्या है। मेघालय की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जानते रहिए, ज़्यादातर जो सरकारी काम होते हैं वो SBI से होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा भारतीय स्टेट बैंक। तो जरा एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप सभी साथी कि जो SBI है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। कमेंट करके सभी साथी जवाब देंगे, क्योंकि करंट के साथ साथ आपको अपना सामान्य अध्ययन भी मजबूत करना है, विविध को मजबूत करना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको इन सभी तथ्यों को जानना और पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में पतंजलि पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना किस बोर्ड ने लगाया। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा पतंजलि पर। अच्छा, पतंजलि एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है। कमेंट करके आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि पतंजलि में का रचना किसने किया था। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता होना चाहिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जी हाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इस पर भी आपको कमेंट के माध्यम से अपना जवाब जरूर देना चाहिए। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, ये टॉप 20 करंट सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ आपके सामने हाजिर हो जाती है। अगला, विश्व यूनानी दिवस फरवरी 2021 में किस दिन मनाया गया। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा विश्व यूनानी दिवस फरवरी 2021 में किस दिन मनाया गया। तो वह है आपका उत्तर 11 फरवरी। 11 फरवरी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, जी हाँ, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में कौन सा देश दोबारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हुआ। तो आपको कमेंट करके बताना है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, इसका उत्तर है 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर अमेरिका होगा। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका को मानवाधिकार परिषद में
दोबारा शामिल किया गया। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है, अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वो व्यक्ति के अनुसार किस क्रम में आते हैं या वह पद के अनुसार किस क्रम में आते हैं, इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना, और अपनी ई लर्निंग विद दुर्गेश की जो नोट्स करंट की बना रहे हैं उसमें भी आप इसको लिखते चलिएगा। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, फरवरी 2021 में ऑस्कर के लिए चयनित हुई भारतीय फिल्म का नाम क्या है। जी हाँ, और एक पहला प्रश्न है, भारत का पहला फिल्म कौन सा है जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया। जी हाँ, बिट्टू इस प्रश्न का सही जवाब है। ए जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, ए वालों का राइट आंसर है, ए वालों का सही जवाब है। आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण तैयारी की गई। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी, यह आपके किसी राज्य विशेष को लेकर है। तो जी हाँ, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जी हाँ उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश समसामयिकी में पूछा जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण की तैयारी की गई, वह था उत्तर प्रदेश। तो छोटा सा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। अगर आप इस प्रश्न को, इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, हर प्रश्न का जवाब दीजिएगा यह सोचकर इस समय आप परीक्षा हाल में है और आपका सामान्य ध्यान कितना मजबूत है। अब हमारे सामने, आपके सामने प्रश्न नंबर 10 है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। आप सभी साथी दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आज 14 फरवरी की जो करंट हम लोग पढ़ रहे हैं, कितने की, 14 फरवरी की, इस दिन आपको 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक भारत की भूगोल की एक मैराथन क्लास चलेगी, संपूर्ण भारत का भूगोल का व्याख्यात्मक हल। तो अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, ये सीरीज जरूर पढ़िएगा, भूगोल का मास्टर वीडियो होगा। और यह 6 घंटे की लाइव क्लास होगी 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो कॉपी कलम लेकर और भारत का मानचित्र लेकर बैठिएगा। हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 10 आपको जवाब देना है। दूसरी बात, भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या क्या है, इसे हम SC या हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है और सबसे ज़्यादा जजों वाला उच्च न्यायालय कौन सा है, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, किस केंद्रशासित प्रदेश का अपना खुद का उच्च न्यायालय है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके कई प्रश्न तैयार होंगे। पुला गुरु वेंकट इस प्रश्न का सही जवाब होगा, माने 20 प्रश्न का राइट आंसर है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती का आयोजन फरवरी 2021 में कब किया गया। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आयोजन 12 फरवरी को, जी हाँ 12 फरवरी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, दयानंद सरस्वती ने किस के एक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में बताइए कि दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक क्या था और इनके शिष्य का नाम क्या था, दोनों का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगला सवाल प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक किस सदन से पास हुआ। जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का आप सब जवाब दीजिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए हाँ, आप लोग कोशिश करिए प्रश्न का जवाब देने का, ये लोकसभा होगा। लोकसभा में कुल कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 2 बैठकों के बीच संसद में 6 मास अधिक का अंतर नहीं हो सकता। लेकिन एक छोटा सवाल कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 13, तो आपके सामने है कि हाल ही में अनमोल भारत की शुरुआत किसने की। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि अनमोल भारत की शुरुआत किसने किया, जल्दी जल्दी बताइए जवाब। जी हाँ, अनमोल भारत की शुरुआत मास्टर कार्ड ने किया। किसने किया? मास्टर कार्ड ने किया। एक छोटा सवाल, पेटीएम का CEO कौन है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि पेटीएम का CEO कौन है। अगला प्रश्न नंबर 14 आपके बीच है,
कह रहा है हाल ही में युवा विज्ञान पुरस्कार का आयोजन किस राज्य ने किया। प्रश्न नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है और करंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जी हाँ, हाल ही में युवा विज्ञान पुरस्कार आयोजन किसने किया जल्दी से बताइए। तो ये होगा हिमाचल प्रदेश, इसे हम इको स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो जरा कमेंट करके बताइए हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नृत्य कौन सी है। जी हाँ, इसका प्रमुख नृत्य क्या है जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कांग्रेस ने राज्यसभा में अगले विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया। तो प्रश्न नंबर 15 बताइए जल्दी से। इसकी पीडीएफ भी आपको ई लर्निंग दुर्गेश पर उपलब्ध हो जाएगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, मल्लिका अर्जुन खड़गे। इस प्रश्न का उत्तर होगा मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये विपक्ष के नेता हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। टाटा मोटर, फरवरी 2021 में टाटा मोटर्स के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जी हाँ, प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे एक करंट अफेयर की एक बड़ी सीरीज आपके बीच लाइव चलती है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा मार्क लिस्टोसेला, अर्थात ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब सही हैं। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, हाल ही में आर्सेलर मित्तल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जल्दी से 17 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। जी, आदित्य मित्तल इस प्रश्न का सही जवाब है। मैंने आर्सेल मित्तल के सीईओ किसे आदित्य मित्तल को नियुक्त किया गया। चलिए हम और आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर क्या कह रहा है, अनफिनिश्ड ए मेमायर किसकी आत्मकथा है। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो यह है प्रियंका चोपड़ा की। किसकी है यह? प्रियंका चोपड़ा की एक आत्मकथा है। ठीक है, तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर प्रियंका चोपड़ा बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है। चलिए आज का प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, रिवार्ड परियोजना किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी। रिवार्ड परियोजना को किस सरकार ने मंजूरी दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ये कमेंट करके सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ओडिशा की सीमाएँ कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ओडिशा की प्रमुख नदी का नाम क्या है इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है और मैं ये देखता हूँ कि आप में से कितने लोग को इस प्रश्न का उत्तर पता है। जी हाँ, मुझे आप सभी के प्रश्न के उत्तर का जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। जी हाँ, सभी लोग ऐसे, इसका उत्तर होगा 13 फरवरी। क्या होगा? 13 फरवरी होगा। तो चलिए, आज है 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को पूरे विश्व में, भारत में क्या मनाया जाता है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की ये करंट अफेयर सीरीज आंसर कुंजी आपके सामने है, ये अपने सभी मित्रों को आप सभी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इस पीडीएफ की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे आप चाहे टेलीग्राम पर, चाहे आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर इसे देख सकते हैं। सभी साथी टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी क्लासेज हैं, यूपी टेट, रीट, शिक्षक भर्ती, जूनियर प्राइमरी, दोनों ही क्लासेज आपको उपलब्ध हैं। तो 15 फरवरी से शिक्षक भर्ती जूनियर के सभी बैचेस आपकी प्रारंभ हो रही हैं और 21 फरवरी से यूपी टेट के साथ साथ आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की बैच शुरू हो रही है, जहाँ आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ सभी क्लासेज आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। मेरी क्लास निःशुल्क देशित में, राष्ट्रित में होगी। ये क्लास, ये पीडीएफ, सब कुछ आपको निःशुल्क मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। सुबह सुबह की करंट अफेयर आपके जीवन के लिए एक बेहतर सलेक्शन की पहली आगाज होगी। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। क्या आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध हो गए हैं इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाय बाय।